आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से बोल दे रहे हैं पहले जो मेहनत करने के लिए तैयार है वही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के डेट में आप सभी बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास पैसा नहीं है पढ़ने का, कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, हम बहुत गरीब है, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है सभी स्टूडेंट के पास, फोन तो सभी के पास है ना, बस एक चीज का कमी है मेहनत का। अगर मेहनत मिल जाए उसमें ना तो बहुत मिठास बढ़ जाएगा। अगर आपको सब कुछ दे दिया जाए और उसमें उसके अंदर से मेहनत ही निकाल दिया जाए फिर तो रंग में भंग पड़ जाएगा, समझ रहे ना। तो मेहनत करने के लिए तैयार है तो पूरे वीडियो को देखिएगा, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले तो आज का वीडियो जो है वो पूरा का पूरा पीडीएफ के लिए है, आपको बहुत सारा पीडीएफ मैंने बोला था वो दूंगा। पहले आप सभी को पता है रात को 11:30 बजे जो है मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो है आपका करेंट अफेयर का पूरे साल भर का रिवीजन चल रहा है, उसका 3 महीने का पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका क्लास। और क्लास इतना इंपॉर्टेंट है मैं क्या बोलूं, ये समय तो चला गया 3 महीना नहीं, कम से कम मैं 15 से 16 क्लास में 3 महीना पूरा रिवीजन करवा दिया हूं। और मैं हमेशा बोलता हूं 500 वाले टीचर के चक्कर में मत पढ़ना, जो एग्जाम से पहले बोलते हैं 500 पढ़ लो उसके अंदर से आएगा, उनका कहने का मतलब है इनडायरेक्टली अगर आया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आया तो आपका जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। वो आपको बोल रहा है जुआ खेलने के लिए, यानी बाजी लगाने के लिए बोल रहा है। और आप सभी को पता है यहां पर जुआ नहीं खेल सकते एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम कहीं ना कहीं मेरा पूरा फ्यूचर, मेरे पूरे परिवार का फ्यूचर है और उसमें आप जुआ नहीं खेल सकते। टीचर को पता है एग्जाम से पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो घबराए हुए पढ़े हुए नहीं है, वो नहीं पढ़े हुए को बुलाते हैं इतना पढ़ लो, उनको पता है आया तो ठीक है बाबाई लूट लेंगे, नहीं आया तो वो आपका जाएगा उनका कुछ नहीं जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं अपने प्रेशर को डेली कम करो थोड़ा थोड़ा पढ़कर, वरना एग्जाम से पहले इतना लोड आ जाएगा अब क्या करे उस समय कुछ विकल्प नहीं रह जाएगा आपको। टीचर अब आप टीचर को कचल गया ये बच्चा टेंशन में, इसको बेवकूफ बनाया जाए, तो मैं सही बोलता हूं एग्जाम से पहले पूरा कॉन्फिडेंस होकर जाओ, ऊपर से नीचे मेहनत पूरा रंग लाए एग्जाम से पहले, ठीक है। तो करंट अफेयर का टारगेट कितना है, 5,000 से 6,000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा पूरे साल भर का, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन का कंटेंट मत देखो कितना ज्यादा है, आप डेली क्लास देखते हो मेरा ना, आप बोलेंगे भैया आपके क्लास देखने के बाद पीडीएफ का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिवीजन हो गया, एग्जाम में बस क्वेश्चन देखेंगे आंसर मार दोगे, आप खुद देखते होंगे पढ़ाने का तरीका। तो आप क्या करना, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अगस्त का पूरा कंप्लीट हो गया है, सितंबर का और आपका अक्टूबर का पीडीएफ कैसे मिल जाएगा, बहुत सारा पीडीएफ दूंगा आज। तो पीडीएफ आपको कैसे मिल जाएगा पहले वो सुन लो, टेलीग्राम अगर आपके फोन में तो टेलीग्राम में सर्च मारिएगा, खोजिएगा सक्सेस स्पेस छोड़कर की 98, वहां पर सारा का सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां पर ऑलरेडी 42,000 स्टूडेंट हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक पीडीएफ का लिंक दिया गया, डाउनलोड कर लेना। या फिर हमारा वेबसाइट है सक्सेस की 98.in, वहां पर सारा पीडीएफ पड़ा है, वहां से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 महीने का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और करेंट अफेयर में मैं बस करेंट अफेयर नहीं करवा रहा हूं, प्लस जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को एग्जाम से पहले पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसे पढ़ा रहा हूं, जैसे कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, मुख्यमंत्री, गवर्नर, या किसी बैंक का टैगलाइन, किसी बैंक का चेयरमैन, सीईओ, ये सब मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूं, दिमाग में नस में बैठा दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है अगर एक कंट्री मान लो रसिया से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं पूरे साल भर में, तो आप बोलेंगे 50 से ज्यादा, तो 50 बार उनके बारे में बताता हूं तो आपको ऑलरेडी याद हो जा रहा है। और तरीका भी बता दिए कैसे करना है, क्वेश्चन आता है रात को 11:30 बजे, आप क्वेश्चन देखो आंसर बोलो, अगर क्वेश्चन में रसिया के बारे में जिक्र है तो रसिया का कैपिटल फटाफट माइंड में क्या होगा, बल्दमीर पुतिन, वहां का मुद्रा तो मुद्रा रसियन रब्बल, और वहां का जो
कैपिटल है वो क्या है, मॉस्को। तो ये सब दिमाग में फटाफट बोलो ताकि रिवीजन हो जाए, और मैं जब बताऊं तो एक बार आप बोलो हाँ भैया याद हो गया है। तो ये तरीका है सबसे बेस्ट। तो करंट अफेयर में गारंटी बोल रहा हूं एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं जाएगा। एग्जाम जिस दिन होगा ना उसके बीच में आकर खड़ा रहूंगा, बताऊंगा कि मेरे करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आया है, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता था मैं आपको वहां से भी दो तीन क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और अगला क्लास मंडे को जुलाई में हम एंटर करेंगे, और दो से तीन दिन के अंदर जुलाई भी पूरा खत्म कर देंगे। रात को एक घंटा तो समय देना है अगर सक्सेस तक पहुंचना है तब। क्यों? क्योंकि अब आप सोचोगे नहीं भैया मुझे आराम से जाना है, आराम से पढ़ना है। भाई आराम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप सभी को पता है एक सीट कहने के लिए एनटीपीसी में 35,000 सीट है, एसएससी में इतना सीट है, लेकिन आप सोचो एक सीट के लिए 70 से 75 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं, और अपने आप को प्रूफ देना है, अपने आप को प्रूफ देना है कि मैं उस 70 से 75 स्टूडेंट से ज्यादा काबिल हूं एग्जाम निकालने के लिए। और मैं हमेशा बोल रहा हूं ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, 7 से 8 घंटे पढ़ना है बस। वरना आप बोलोगे भैया उतना टाइम भी नहीं है, तो आप सभी को पता है एक गरीब अमीर क्या, इस धरती पर जितने प्राणी हैं सबके पास ही 24 घंटा है। कोई बहाना कर अगर उसके अंदर टैलेंट है भी ना, तो वो मेहनत करना नहीं चाहता, और कहीं ना कहीं अपने टैलेंट का भी गला घोट देता है, जबकि वो कर सकता है, उतना काबिल है, लेकिन फिर भी अपने गले मेहनत को दबा दे रहा है और अपने जो टैलेंट है उसका गला घोट दे रहा है, बस ये बोलकर कि मैथ हार्ड है, रीजनिंग हार्ड है। जब आपका हार्ड ही है और आप सीखना भी नहीं चाहते, तो बार बार फॉर्म क्यों भर रहे हैं? बार बार अपने मम्मी पापा को झूठा दिलासा, झूठा आस क्यों दे रहे हैं अपने परिवार को? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं ना? तो मेहनत करो। दूसरा पीडीएफ सुनो आप सभी, 4 दिन पहले अगले हफ्ते में मैंने आप सभी को DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास करवाया था। आप सभी को मैंने बताया था कम से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आप सभी के रेलवे और SSC के एग्जाम में, और इतना 4 क्लास में करवा दिए हैं कि आप आराम से कर लोगे, ठीक है। वरना मैं बैंक PO के लेवल तक का भी करवाया हूं हमारे चैनल पर, जो आपसे बनेगा नहीं, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप इतना करो, इतना करवा दिए कि एक क्वेश्चन भी इधर का उधर नहीं होगा। अब आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस के लिए आपको PDF। ये सारा क्लास आपको चैनल पर मैथ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जैसे ही चैनल पर जाएंगे, ठीक है। एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से आप सभी जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, इसका 250 क्वेश्चन का PDF भी जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी पूरा समझाऊंगा एक एक चीज। तीसरा, जो 18 और 19 के हाल फिलहाल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं GK का पॉपुलर क्वेश्चन, वो क्लास कब चलता है? तो आप सभी को पता है शाम को 4 बजे चलता है। तो उस क्लास का 1200 प्लस क्वेश्चन का PDF पहले दिया था, दोबारा दे रहा हूं, ये डाउनलोड कर लेना आप सभी, बहुत लेट अभी भी नहीं हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। 18-19 में जितने भी एग्जाम हुए सारा क्वेश्चन का GK इसका भी लिंक पड़ा हुआ है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तीसरा, GS जनरल साइंस जितने 18-19 में क्वेश्चन आए हैं उसका, अभी तो मैं आपको पूरा GS का अलग सेट भी देने वाला हूं, बहुत लाजवाब, वो उसके बारे में बताऊंगा, इसका भी 1200 प्लस क्वेश्चन का PDF आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। 4 PDF जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप डेली 2 घंटे भी अगर आप इतने PDF के लिए निकालते हैं ना, 2 घंटे, तो आप 1 महीने में पूरे PDF को चाट जाएंगे, डेली 2 घंटा निरंतर। अगर आप 1 दिन भी मिस करते हैं, मतलब आप अपने रास्ते में कहीं ना कहीं खुद रोड़ा बन रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डेली 2 घंटा भी देते हैं, तो जितना PDF के बारे में बताएं आप कम से कम 1 महीना में सारा कवर कर लेंगे, और आप देखना एग्जाम में कितने क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तीसरा बात, आपको मैंने हमेशा बोला है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर भी, आप डेली कम से कम ना एक मॉक टेस्ट लगाओ या स्पीड टेस्ट प्रैक्टिस ऑनलाइन सेट। आप मेरा मत लगाओ, किसी और का लगाओ, मेरा मत लगाओ, किसी और का लगाओ, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन लगाओ, डेली एक लगाओ। पत्थर पर लकीर है भाई, पत्थर पर लकीर है, एग्जाम से पहले राम बाण है, ये आपका राम बाण है, मैं इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि फायदा होता है, आपको करना है। आपको SSC या रेलवे का जो भी एग्जाम दे रहा है या बैंक का, आपको डेली एक टेस्ट लगाना है अपने आप को जज करने के लिए।
आप हमारा भी आप ले सकते हैं सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर भी आप एग्जाम दे सकते हो। आपको हर एक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है। कैसे लेना है अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, आप एक एक स्टेप देख लेना, लेकिन पहले सुन लो आपको फायदा क्या होता है। मान लो आपको मैंने एससीसी का ऑलरेडी 105 प्लस सेट दिया है, रेलवे का 90 प्लस सेट दे दिए, अब डेली एक लगाओ, क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप 2 घंटे अगर पीडीएफ के लिए दे रहे हैं मान लो और 3 घंटा क्लास देख रहे हैं, तो कितना घंटा हुआ? 5 घंटा। 2 घंटा टेस्ट में दो, 7 घंटा भी अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते और इसमें भी 1000 बहाना बनाएंगे और आपको नौकरी चाहिए लड़ने के बाद, तो वो तो नहीं मिलेगा, मेहनत करना है। आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाना, मान लो एग्जाम में जाते हो तो आप क्या सोचते हैं, मुझे 50-55 नंबर करना है, लेकिन उठता नहीं है, मौका वहां पर एक होता है। तो एग्जाम जैसा पैटर्न आपको डेली एक लगाना है। मान लो पहले टेस्ट में आपका कितना नंबर आया, 35 नंबर आया, यहां पर मैथ है, यहां पर रीजनिंग है और जीके जीएस करेंट अफेयर जो बोल लो ये रहता है, ठीक है। मान लो मैथ में आपका 12 आया, 13 आया, इसमें 10 आया। अब देखो एग्जाम देने के बाद मेरा 35 नंबर ही क्यों आया? एग्जाम देने के बाद आंसर देखो, आप देखोगे मैथ में, अरे यार गलती हो गया यार, यहां पर 3 नंबर हम कर सकते थे लेकिन 3 नंबर मेरा कट गया, सेट यार इजी क्वेश्चन था, यानी 3 यहां पर बढ़ सकता था लेकिन नहीं हुआ। पेपर देने के बाद देखना, रीजनिंग देखना, अरे यार रीजनिंग सबसे इजी है, यहां पर प्लस 6-7 नंबर उठ सकता था, गलती कर दिए यार, गलती, सेट मैन। जीके जीएस करंट अफेयर देखो, अरे यार आंसर पता था यार, गलती हो गया, यहां पर 10 नंबर मेरा हो सकता था। यानी एग्जाम देने के बाद आप देखो 10, 17, 20, यानी हमारा 55 नंबर तक आ सकता था, लेकिन गलती क्या हो गया, गलती पता चल गया, ठीक है। अगला दिन 2 घंटा टाइम फिक्स करो, 2 घंटा नहीं 1 घंटा, कि मुझे एग्जाम कब देना, रात को, दिन में, सुबह, कब, उस दिन एग्जाम दो और माइंड में रखना मुझे वो दोबारा गलती रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अगला दिन क्या हुआ आपका, फिर 37, 38, फिर वही करो, 10, 23, 15 टेस्ट बाद देखोगे नंबर भैया बढ़ने लगा है। अब आपका नंबर देखोगे, ये सच्चाई है, पूरा रामबा सच्चाई है, अगर डेली ऐसे करोगे। देखो मैथ में मेरा कौन सा चैप्टर में बार बार नंबर कट जा रहा है, जो चैप्टर मुझे आसान लगता था उसी में नंबर बार बार क्यों कट रहा है, उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करो, हजारों लाखों वीडियो मिल जाएगा, हर एक चैप्टर मैंने भी करवाया। रीजनिंग में जहां सबसे आसान था वहां पर मेरा नंबर क्यों उठ रहा है, टाइम मेंटेन नहीं कर पा रहे भैया, अच्छा टाइम का प्रॉब्लम है। अब दिमाग में लगाओ कि मुझे किसमें कितना टाइम देना है, आपको डेली ये करना है ताकि आपका जो भी गलती है दिन पर दिन सुधरता जाए, और आप देखोगे 15-20 टेस्ट देने के बाद आपका नंबर 55-57 आने लगा। अब आपको कोई नहीं समझाएगा, अब आप जो है खुले रास्ते के अकेला बाजीगर है, अब आपको कोई समझाने नहीं आएगा, अब आपका दिमाग खुद काम करेगा कि हमें क्या करना है, अब आपका दिमाग काम करेगा मुझे 70 तक कैसे जाना है, अब एक अलग ऊर्जा में आप रहेंगे, अब मुझे 70 तक जाना है, अब ऐसे काम करेगा दिमाग। यहां पर तो आपका शरीर झूला हुआ है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, तो अपने कॉन्फिडेंस को जज करो कितना नंबर उठ रहा है, फॉर्म तो फिलअप कर दिए, एक बार आपके अंदर तो कूद गए हैं तो अच्छे से लड़ते हैं ना, एक बार जब दलदल के अंदर घुस गए हैं तो उस दलदल से बाहर आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं देखो, और वो दलदल सिर्फ आपके लिए नहीं है, उसमें आपका परिवार भी है, आपका पूरा फ्यूचर भी डिपेंड है। अगर एक बार उसके अंदर से निकल गए तो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ अपने परिवार का भी फ्यूचर आप निखार दोगे, ये समझना है। देखो सब तो समझ नहीं पाता है जो भी मैं बोलता हूं वीडियो में, लेकिन बहुत जन बोलता है भैया आप जो बात बोलते हैं ना बहुत सटीक बोलते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं अगले दिन छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं? आपको जब उस दिन तक पढ़ना है जब तक आपका जॉब ना निकल जाए, और आप कर सकते हैं, वरना वही बात होगा, टैलेंट तो है लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते, जिसके वजह से आप अपने टैलेंट का भी अपने हाथों से गला घोट दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ पल के खुशी के लिए, कुछ पल दिखावा के लिए, और ये जो पल आप जी रहे हैं ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, दोस्ती यारी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये कुछ पल का खुशी है,
जो आपको नजर आ रहा है कि पूरा जिंदगी काम आएगा, जिंदगी काम नहीं देगा, जिंदगी भर तो आपकी बीवी आपका परिवार ही काम देगा, ये कुपल भर का खुशी है। एक दिन ऐसा आएगा जहां पर आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करेंगे, बहुत कमजोर, जहां पर लगेगा कि यार मेरा ही गलती के वजह से मेरा परिवार आज झेल रहा है, जहां मैं दो पल की खुशी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया बस उस खुशी को पाने के लिए, लेकिन सही मायने में खुशी मेरा आगे पूरा इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता उस खुशी का गला अपने हाथों से घोट रहा था जो मुझे पता भी नहीं चला। वही बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोग बोलकर गए हैं, समय चला गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, समय गया चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते अपने आप को समझना है कि टेम्पोररी कुछ पल का खुशी चाहिए या लंबा वक्त तक का खुशी चाहिए। वरना आज जो लोग गाली देते हैं ना और आप पकड़ कर बोलते हैं हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, उनको प्रूफ करना है ना, अपने टैलेंट को दिखाना है ना कि हम सच में अच्छे हैं, हम सच में काबिल है। वरना अभी अगर आप नहीं कर पाओ और कुछ खुशी के लिए आप पागल हो जाओ तो लाइफ टाइम वो आपको फिर गाली देंगे और आपको सुनना पड़ेगा और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आप सोच रहे हैं कि नहीं भैया गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, यार गर्लफ्रेंड शादी कर कर चली जाएगी, बॉयफ्रेंड चला जाएगा, सच्चाई है, सच्चाई है, रह जाएंगे आप अकेले, आपका परिवार, आपका बाल बच्चा, आपकी बीवी, वो अंधकार में रह जाएगी, कोई और नहीं, आप अंधकार में रह जाएंगे और फिर सारा जिंदगी रोएंगे कि मेरे गलती का सजा मेरा पूरा परिवार झेल रहा है। तो वो चीज ना हो इसीलिए आज आपको मेहनत करना है। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन उस कष्ट को भी सहना है। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा जिंदगी आगे इंतजार कर रहा है उसको असीन, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। विश्वास मानो बहुत मजा आएगा। इस दो महीने का मेहनत बहुत मेहनत है और उस मेहनत में आपका साथ ये देगा, आपको सब चीज दे रहे हैं, आपको बस पढ़ना है भाई। अब आपको सोचना है आपको क्या करना है। समझाते हैं तो कुछ स्टूडेंट सुनते हैं कुछ नहीं, जो सुना बहुत बढ़िया, नहीं सुना बहुत बढ़िया, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। अब देखो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मॉक टेस्ट और दे कैसे सकते हैं। पीडीएफ पक्का डाउनलोड कर लेना और टारगेट रखना दो महीने के अंदर आपको खत्म करना है सारा का सारा पीडीएफ। ठीक है, तो करना क्या है ध्यान से देखिएगा। एक बार आप अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है सक्सेस की 98। ठीक है, सक्सेस की 98 जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये खुल जाएगा। ऊपर वाले को आपको ओपन करना है, मेरे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास ये पेज नहीं खुलेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको बोलेगा अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक पासवर्ड बना दीजिए जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वो ईमेल आईडी, फोन और पासवर्ड लगाकर रजिस्टर्ड होने के बाद आप उसी फोन नंबर और जो पासवर्ड बनाए हैं उसके द्वारा लॉगिन हो जाइएगा या फिर उस ईमेल आईडी और उस पासवर्ड के सहायता से। ठीक है, आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखेंगे आप सभी के पास बहुत सारा रेलवे, इंश्योरेंस, एसएससी, बैंक, सभी का हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया गया है जो आपको पूरे एक साल तक इसका वैलिडिटी रहेगा या फिर एक साल तक जितना भी एग्जाम आएगा हर एक एग्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा। जैसे मैं आपको रेलवे का खोल कर दिखा दे रहा हूं और बाई कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपने रेलवे का खोला तो ऊपर में देख रहे हैं आप सभी एनटीपीसी लेवल वन ग्रुप डी, जेई एएलपी ग्रुप डी, लेकिन आप सभी को पता है कि आप सभी को पता है एएलपी और आप सभी का आरआरबी जेई में जो सीबीटी वन एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस और एनटीपीसी ग्रुप डी का सिलेबस सेम है। तो आपको हर एक एग्जाम देना है। आप एग्जाम कैसे देंगे सबका, पहले आप ये देख लो, एनटीपीसी ओपन करेंगे, ऊपर में ओपन करेंगे, आपके सामने टोटल 30 सेट यहां पर है तो 30 सेट आपको देना है एग्जाम से पहले ताकि आप जज कर पाओ। प्लस ग्रुप डी में आप देखेंगे पूरा आपके पास 30 सीट यहां पर है तो ये भी देना है। ये नहीं कि एनटीपीसी दे रहे तो ग्रुप डी नहीं देंगे, ग्रुप डी और एनटीपीसी का पैटर्न सेम है तो 60 ये हो गए। प्लस आरआरबी लेवल वन खोलेंगे तो यहां पर आपको 20 मिल जाएगा, 60 20 80 ये हो गया 80 सेट। एएलपी में आपको मिल जाएगा 10 यानी 90
90 सेट आरआरबी जेई, यहां पर आरआरबी जेई में स्टेज वन वाला यहां पर आपको 10 मिल जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके 100 टेस्ट आपको देना है। आप सोच लो, आप डेली 2 देंगे 3 देंगे, लेकिन देना है। देने के बाद अपने आप को जज करना है डेली कि मेरा गलती कितना है। पक्का 100% रिजल्ट आता है। स्टूडेंट बोलते हैं भैया मॉक टेस्ट देने के बाद 15-20 मेरा नंबर 10-12 नंबर इंक्रीज होने लगा है, ताकि क्या होता है वो अपना गलती देख रहे हैं, एग्जाम से पहले गलती क्या कर पा रहे हैं। अब एग्जाम कैसे देना मैं पहले आपको वो दिखा दे रहा हूं। मान लो, और एक बात, अगर आप बस एनटीपीसी बाई करेंगे तो 149 में आपको बस 30 सेट ही मिलेगा और ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ऊपर वाला जो ये है ना 349 वाला पैक, ये बाई करिएगा, ताकि 349 में जितना भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए। अगर आप बस एनटीपीसी का बाई करते हैं तो बस आपको एनटीपीसी का ही मिलेगा, लेकिन आपको मैं बोलूंगा पूरा बाई करना। अगर आप मान लो टेस्ट कैसे देना है, आप एनटीपीसी का टेस्ट देना है, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 2 टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा जो आप दे सकते हो, लेकिन बाकी पर लॉक लगा रहेगा। बाई कर लेंगे 349 वाला तो आपका पूरा का जितना टेस्ट है लॉक खुल जाएगा। थर्ड नंबर टेस्ट कैसे देना है, देखो यहां पर बाई करने के बाद टेक टेस्ट है, इस पर ओपन करना है। जैसे ही ओपन हुआ देखो क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है, इसको हिंदी में कैसे करना है, तो यहां पर कोना में कॉर्नर में आपको दिया गया लैंग्वेज चेंज करने के लिए, लैंग्वेज चेंज, स्पीड टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद पूरा, और यहां पर देखेंगे आप सभी का टाइमर भी चल रहा है ऊपर में। पूरा टेस्ट देने के बाद सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपका रैंक दिखाएगा साथ साथ दिखाएगा हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। जैसे मैं आप सभी को दिखा दूं, यहां पर मान लो इस पर देख रहे हैं एक वाले में, यहां पर आप सभी देख पाइए टोटल 5530 स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं अभी तक। बहुत जन लिए, बहुत जन बोले भैया बहुत फायदा होता है। अब आपको क्या करना है, बाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मान लो आपको ये 349 वाला जो है ये बाई करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा, तो अपना फोन नंबर देकर लॉग इन हो जाइएगा। फोन नंबर जो भी आपके बैंक में, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट से पेमेंट कर सकते हैं। अब लॉग इन करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर नंबर दिया, यहां पर ऑप्शन आ गया आपका फोन पे का या गूगल पे, जिससे आपको बाई करना है। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे अदर मैथड में जाएंगे तो आपका यहां पर देखिए वैलेट, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर पेमेंट करने के बाद 5-10 सेकंड रुकिएगा, सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो है वो पूरा पैक खुल जाएगा। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे कैसे पेमेंट करना है, कैसे टेस्ट देना है, सब कुछ। अब आगे देखिए वीडियो में क्या बोल रहा हूं आप सभी के साथ।